पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड में खेल की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनने लगी है और सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म सुल्तान देसी खेल कुश्ती के इर्द गिर्द बुनी गई प्रेम कथा है। कहानी है हरियाणा के एक गांव की। 30 साल का सुल्तान अली खान इस उम्र में भी पतंग लूटता रहता है और जिंदगी के प्रति गंभीर नहीं है। आरफा हुसैन एक पहलवान की बेटी है और उसका सपना भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। आरफा को सुल्तान दिल दे बैठता है, लेकिन आरफा उसे उसकी औकात याद दिला देती है। इस बेइज्जती से सुल्तान जिंदगी को सीरियसली लेने लगता है और पहलवानी शुरू करता है। कामयाबी उसके कदम चूमती है और आरफा से उसका निकाह हो जाता है। निकाह के बाद एक ऐसी घटना घटती है कि आरफा और सुल्तान के बीच दीवार खड़ी हो जाती है। इससे सुल्तान टूट जाता है। हालात ऐसे बनते हैं कि वह प्रो टेक डाउन स्पर्धा में हिस्सा लेता है। 40 की उम्र में तोंद के साथ सुल्तान के लिए विश्व के दिग्गज खिलाड़ियों से भिड़ना आसान बात नहीं है। क्या वह सफल वापसी कर पाएगा? क्या आरफा और सुल्तान के बीच की दूरी मिटेगी? इन बातों का जवाब फिल्म में मिलता है। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले, संवाद और निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया है। अली ने अपनी कहानी को दो भागों में बांटा है। एक तरफ सुल्तान, आरफा और पहलवानी है तो दूसरी ओर सुल्तान आरफा की मोहब्बत है। इन दोनों कहानियों को उन्होंने पिरोकर खूबसूरती से साथ चलाया है। दोनों कहानियों की तुलना की जाए तो खेल पर प्रेम भारी पड़ता है। सलमान की जो पहलवान के रूप में यात्रा दिखाई गई है वो अविश्वसनीय है। अधिक उम्र में एक खिलाड़ी का कुश्ती सीखना आरंभ करना और देखते ही देखते अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल जीतना, यह बात हजम नहीं होती। सुल्तान और आरफा की प्रेम कहानी बहुत ही उम्दा तरीके से पेश की गई है। यहाँ दो प्रेमियों की जिद, अहम का टकराव, जुनून वाला इश्क और अलगाव है। सुल्तान और आरफा के किरदार सीधे दर्शकों से जुड़ जाते हैं। दर्शक उनकी मोहब्बत और जुदाई को महसूस करते हैं। सुल्तान में इमोशन की लहर पूरी फिल्म में बहती रहती है और इस लहर के नीचे कहानी और स्क्रिप्ट की कमियां छुप जाती है। यहाँ फिल्म के गानों का उल्लेख जरूरी है जो सुल्तान आरफा की प्रेम कहानी को धार देते हैं। निर्देशक के रूप में अली अब्बास जफर ने अपना काम इत्मीनान से किया है। उन्होंने फिल्म को 2 घंटे 50 मिनट की बनाया है ताकि सलमान के फैंस पर्दे पर भरपूर सलमान दर्शन कर सके। अली ने कमर्शियल फॉर्मेट का ध्यान रखा है, लेकिन साथ ही उन्होंने फिल्म को फार्मूला बद्ध होने से बचाया है। सलमान को उन्होंने उसी मासूमियत के साथ पेश किया है जिसे देखना दर्शकों को पसंद है। पहले हाफ में फिल्म तेजी से चलती है, दूसरे हाफ के शुरुआत में फिल्म लड़खड़ाती है, लेकिन अंत में फिर संभल जाती है। सलमान खान ने कुश्ती वाले सीन में काफी मेहनत की है। धोबी पछाड़ वाले दृश्य वास्तविक लगते हैं। दौड़ भाग वाले सीन में वे उतने फुर्तीले नहीं लगते जितना कि फिल्म में उन्हें दिखाया गया है। उनका अभिनय अच्छा और ठहराव लिए है। खास बात यह है कि सुल्तान को उन्होंने सलमान खान बनने नहीं दिया। सलमान अपनी उपस्थिति से क्लाइमेक्स में जोश भर देते हैं। अनुष्का शर्मा ने अपने किरदार को खास एटीट्यूड दिया है। वे महिला पहलवान के रूप में विश्वसनीय लगी है और इमोशनल सीन में उनका अभिनय देखते ही बनता है। अन्य अभिनेताओं की एक्टिंग भी बेहतरीन है। सुल्तान परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन मनोरंजन का झरना फिल्म में लगातार बहता रहता है, इसलिए एक बार देखी जा सकती है। यदि आप सलमान के फैन हैं तो कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ।